देखिए, जो समान काम समान वेतन जो हाई कोर्ट का भी इसमें निर्णय हुआ शिक्षकों को लेकर के, जिसपे कि जो राज्य सरकार है, सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाती है, अभी ये मामला सब जुडियस है और हाई कोर्ट में देखिए जो काम है वो तो समान वेतन सब लोगों को मिलना चाहिए, समान काम का, किसी को ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, काम वही कर रहे हैं। और ये सारा प्रॉब्लम जो क्रिएटेड है ये नीतीश जी का क्रिएटेड है, और हम उम्मीद करते हैं जिसने ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया है उसी व्यक्ति को इसका समाधान भी करना चाहिए। लेकिन वोट की राजनीति थी, वही तो कह रहे हैं, तो वोट की राजनीति करते हैं। समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, स्थायी हो, नौकरी मिले, सब जगह नौकरी मिले। यहाँ तो जिसको रोजगार है उसको भी बेरोजगार बना दिया जा रहा है, बालू बंदी से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के है, वहां भी कोई मतलब कि देखने वाला नहीं है, खुलेआम बेचवाया जा रहा है। तो कार्रवाई हो का नहीं, जब जदयू के पदाधिकारी ही बेचने में लगे हुए हैं, जब संरक्षण ही सीएम का मिला हुआ है, अब तो सुनने में आया जिस जिलाधिकारी को आरा के सस्पेंड किया गया था वापस फिर उनको बना दिया गया है, तो ये कार्रवाई तो दिखा हुआ था। जो आरा के जो जिला अध्यक्ष जिस पे कार्रवाई की गई उसको दोबारा बना दिया गया जिला अध्यक्ष, तो इस पे कार्रवाई क्या है, तो दिखावा है, दिखावटी कार्रवाई है भाई। समीक्षा क्या करना है, जब बंदी है तो बिहार में शराब मिलना ही नहीं चाहिए, लोग पीते हुए मिले ही ना, पकड़े ही ना जाए, तो कड़ा कानून होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए जीरो है। यही तो सवाल है कि अधिकारी ही जब सरकार ही के लोग मुख्यमंत्री के संरक्षण में पदाधिकारी ही जब बिचवाने का काम कर रहे हैं तो समीक्षा करके क्या फायदा हो, कि इनको दोषी ठहराएंगे, अधिकारियों को दोषी ठहराएंगे कि अपने पदाधिकारी को दोषी ठहराएंगे, उसके बारे में तो हम लोग बता ही दिए हैं। तो कहाँ पढ़ाई लिखाई हो कहाँ रहा है, आपको हम हकीकत बता दें, जितने भी स्कूल जितने हैं, जितने भी नए निर्माण बिल्डिंग भी हुए उसको भी टेक ओवर करने के लिए कोई नहीं है, नया बिल्डिंग भी बन गया है लेकिन हैंड ओवर नहीं कर पाती है, जो डिपार्टमेंट जो बनाती है लेने को तैयार नहीं हो पाती, कोई ले नहीं पाता, फिर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो जाती, शिक्षकों की कमी है। और शिक्षक जब रोड पर रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, जब प्रदर्शन करेंगे कि जो जायज मांग है कानून के आधार पर भी जो हाईकोर्ट ने बोला है, सारा समय तो उनका प्रदर्शन में रह रहा, अपने अधिकार के लिए मांग के लिए रह रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, जब शिक्षक ही नहीं होंगे स्कूलों में तो क्या सुधार होगा। आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके आप प्रॉब्लम को और वास्ट बना रहे हैं, और डिफिकल्ट बना रहे हैं, और मतलब कि आप कह रहे हैं कि गांठ पे गांठ बनाने का काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है उसका गांठ को खोलना चाहिए, एक तरफ से वार्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों लोगों का जो पक्ष है सबको बुला करके, मुख्यमंत्री जी को प्रतिनिधित्व बना करके, हम सब लोगों को बुला करके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं और हम अपने वचन पे कायम है जो हम उप मुख्यमंत्री थे, कि भाई ईगो डिफरेंसेस जिस दिन हो जाएगा उस दिन विकास नहीं हो सकता। आपको आरजेडी से ईगो हो सकता है लेकिन अपने सरकारी कर्मचारियों से भी आपको ईगो है, आप उनकी कमियों को आप भाई उसका सॉल्व नहीं कर रहे, समाधान नहीं कर रहे। तो शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वो शिक्षक है, बच्चों को वही पढ़ाएंगे, तो प्रदर्शन में ज्यादातर समय बिताएंगे, जो कि उनकी भी मांग सही है एक तरह से देखा जाए, तो हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा देने का काम किया है, तो इसमें समाधान कौन करेगा।